देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ। जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर के आज सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले के मुख्य चौराहे से होते हुए अशोक लाट चौराहे तक विरोध प्रदर्शन किया गया है। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं का यह शांतपूर्वक ढंग से प्रदर्शन रहा है और भारी पुलिस बल के कारण सपा कार्यकर्ताओं को कचहरी मुख्य गेट के पास बैरिकेटिंग लगा करके पुलिस के द्वारा रोका गया है और वहीं पर ही सिटी मजिस्ट्रेट पहुँच कर ज्ञापन लिया, जहां सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के हित में जो विधेयक लाया गया है वह किसान विरोधी है। किसान इस विधेयक में सिर्फ मदुआ मजदूर बनकर रह जाएगा, जिस पर सपा कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करते हैं। सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिले में किसान हुआ बेरोजगारों की समस्या को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं भारी पुलिस बल के कारण कलेक्टर परिसर पहुंचने से पहले कचहरी चौराहे में बैरिकेटिंग लगा करके सपा के कार्यकर्ताओं को रोका गया है और वहीं पर ज्ञापन लिया गया है। सपा के जिला अध्यक्ष विजय करण यादव के द्वारा बताया गया है कि प्रदेश सरकार के द्वारा किसान व नौजवानों की समस्या पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का बेरोजगार और किसान बेतहाशा परेशान है। समाजवादी पार्टी के द्वारा बेरोजगारों और किसानों की समस्या को समय समय पर उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। ये थी विष्णु सिंह की खास रिपोर्ट। ज्ञापन था, क्या मांगे थी आप लोगों को, क्या मांग? ज्ञापन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सरकार ने किसी तरह की कोई बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, जबकि तो हर साल 50-50 हजार 5-5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा। और बल्कि 5 वर्ष के लिए रोजगार देने के बाद भी 5 वर्ष तक उनका आकलन किया जाएगा और आकलन करने के बाद उनको फिर बेरोजगार कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। जहाँ तक किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के उनकी खेती को बड़े उद्योगपति आकर के उनकी खेती को ले लेंगे और ले करके जो है उसको अपने हिसाब से जो है उसको चलवाएंगे, और वो किसान जो बेचारा जमींदार है वो उसमें मजदूरी करेगा और उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इन सभी समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया। विरोध वापस लिए जाने की मांग की है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लगा है। इन नीतियों को कारपोरेट घरानों को फायदा होना, जबकि किसानों को श्रमिकों को बदहाली की ओर बढ़ा है। ऐसा ज्ञापन हम लोग किसान हित में, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में किसान भी जो है सरकार के विरोध में है, और एक जो है लाइन वो भी है कि जो उस दिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई और जो है कई धाराएं संगीन धाराओं पे जेल भेजा गया, उस पर भी मांग किया गया है कि सभी मुकदमे वापस लिए जाए। इसी संबंध पे आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया के निर्देश पर आज देश के सभी जनपदों में जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल पारित किया है उसको वापस लेने के लिए हमारी जिलाध्यक्ष माननीय विजय करण यादव जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। कुछ दिन पहले सपा कार्यकर्ताओं के साथ मरवट्टा की गई, उसी समय क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से गुंडई पे आमादा हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अपने हाथों में लाठी लेकर के खुद उस दिन बर्बरता से चला रहा था, इससे आप खुद समझ सकते हैं कि प्रशासन कितनी बुरी गुंडई पे आमादा हो गया है। ये आपसे भी छुपा नहीं है। अब मीडिया कितना इस मामले को ऊपर उठाती है ये देखने का विषय है।